तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आ गए हैं, तो अभी डालेंगे कबूतर को दाना। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों हमारे YouTube चैनल है राजस्थानी पक्षी प्रेमी। और दोस्तों रोज़ दाने डालते हैं, तो आप सोचते होंगे कि क्या रोज़ रोज़ वो एक ही जगह में दाना डालते। तो दोस्तों कहना ऐसा है कि जगह यही मिली है, तो यहाँ पे जो पक्षी आ रहे थे तो वो कहाँ जाएंगे, कोई डालते नहीं यहाँ पे। तो मैंने रेगुलर इनको डालना शुरू कर दिया यहाँ पे, तो रोज़ यहीं पे वीडियो बनाता हूँ और यही जगह में मिली है तो यही बनाऊँगा ना। तो दोस्तों मेरा कहना है कि जहाँ आपको मिलता है तो आप वहाँ बनाओ, दौड़ भाग के जाना है तो यहाँ के पक्षी जो खाएंगे दाएंगे वहाँ कहाँ जाएंगे बताओ। तो मेरा कहना का मतलब यही है कि दोस्तों जहाँ मिलता है आप जहाँ हैं वहाँ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो भगवान ने ये ना कहा, ना पक्षी ने कोई ये कहा कि वहाँ जा कर डालो, मंदिर के पास में जा कर डालो। तो दोस्तों मेरा कहना यही है दोस्तों कि जहाँ मिलता है जहाँ हैं आप डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भलाई करो। तो देखिए तो ये जो जो है दाना डालने का है, तो ये तो भक्ति जैसे ही है। देखो देखो आप एक रुपया कमाओ तो उसमें एक पैसा खर्च करो, सौ रुपये कमाओ दस रुपये खर्चा करो, हज़ार रुपये कमाओ सौ रुपये खर्चा करो। तो ये आपकी कमाई जो है ये खड़ी रहे यहीं पे रहेगी। तो दोस्तों देखिए कहने का है कि आप उनकी सेवा करो और दान पुण्य करते रहना। कहा गया है हमारे शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में, माने या ना माने या हमारे से कोई लेना देना नहीं। आपकी जैसी मर्जी आप उनकी सेवा करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों। क्योंकि कहीं करते हैं कहीं नहीं करते हैं लोग, तो आप ऐसे इनको ज़्यादा देते रहिए। हाँ, कहीं भी दुनिया में कहीं भी वीडियो देख रहे हो तो शेयर और लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और दोस्तों कहीं भी कौन सी कंट्री भी हो, कोई भी दोस्तों, आप इनकी पक्षियों को पालन पोषण करते रहिए और इनकी सेवा करो और दाना डालो। दोस्तों यही सबसे बड़ी है, चार धाम जैसी है। आप एक बार दाना डालो आपको मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों ये दाना जो भी कितना भी पैसा हो आपके पास, वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास पैसा रहेगा वो पैसा कुछ काम का नहीं है। तो हर आज हर बंदे का जो आप करे हो ना, ये किसी की बस की बात नहीं है, कोई किसी आदमी की बस की बात नहीं है दोस्तों। तो आपके पास पैसा रहेगा, पैसा सड़ता हुआ रहेगा, लेकिन आप इसकी सेवा नहीं कर सकते। मैं जो कंटिन्यू करा मुझे पता है, लोग मेरे साथ जो आज चार्ज में जुड़े थे तो वह भी वापस पीछे चले गए, बोले नहीं होता है भाई, हम तो दे के आ जाएंगे और वो लोग खिला देंगे। तो इसको पालन पोषण करना, देखना करना, कुछ नहीं करना है आपको। इनको दाना डालो और देखभाल करो, बस उतना ही। आपको सिर्फ आधा घंटा इनकी टाइम दो, सिर्फ आधा घंटा दे दो दोस्तों। तो आप वीडियो में वॉच टाइम देखते रहिए और मैं और शेयर करना, लाइक करा और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। कि देखभाल करने कबूतर की, जैसे आप बच्चे को, छोटे बच्चे को पालन पोषण करते हैं ना, ऐसे इनकी सेवा करनी है। आपसे कुछ नहीं मांगते ये, इनको टाइम टू टाइम खाना खिलाओ, अपनी जगह में चले जाता है दोस्तों। तो यही है सब क्या, और यही आपको मेरा संदेश देना चाहता हूँ मैं आप सबको। तो दोस्तों आप इनकी सेवा करो और दान पुण्य करते रहिए, क्योंकि यही आपके साथ में चलेगा, बाकी सभी यहीं पड़े रह जाएंगे दोस्तों। तो मेरा कहना यही है दोस्तों, और आप यहीं कमाई सभी यहीं पड़े रह जाएंगे, पैसा आपका सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं लेके आए ना, कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए आपको कहता हूँ कि सेवा करो, दाने पुण्य करते रहो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करा और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों।
कबूतर को पालन पोषण करना, दाना डालना, दोस्तों आप करके देखिए दोस्तों, और आपसे हेल्प नहीं पूछ रहा हूँ। आप वीडियो शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। आपका इसका पैसा नहीं लगता है दोस्तों। आप बोलते होंगे क्या है बकवास डालते हैं करके, रोज़ रोज़ एक ही जगह डालते हैं। अरे भाई एक ही जगह की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ खाना खिलाना और दाना डालना वहाँ पे, तो आप बोलते कि आप भी रोज़ खाना क्यों खाते हो, मत खाओ खाना आप भी, आप कैसा होगा। तो इनको भी ऐसे ही है, तो वीडियो डालना है ज़रूरी है दोस्तों, और खाना ये भी नहीं खाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ। तो आप भी खाना खाते हो तो ये भी ऐसे ही खाने खाते हैं, आते हैं टाइम पे, टाइम पे खाना खाते चले जाते, सिर्फ एक टाइम पे खाना पूछता है दोस्तों। तो मेरे को ये कहना चाहता हूँ कि ये भी यहाँ पे मेरे दुकान के सामने, ये रोड पे, मेन रोड पे है दोस्तों, लाल बाग, गबन पार्क, विधानसभा, पैलेस ग्राउंड, ये सारे जगह में, ये बेंगलोर सिटी ग्राउंड, ग्रीन सिटी का है, और सेंट्रल जेल रोड पे। तो दाना डालने की बस की बात नहीं होती है दोस्तों, इसके लिए कहता हूँ कि दाना डालो, सेवा करो, बस कुछ नहीं मांगे, खाएं। तो आपको आधा घंटा इनको टाइम दीजिए, बस सिर्फ आधा घंटा दाना खाएगा और अपने अपने जगह पे चले जाके बैठ जाएंगे, वो भी कहाँ उनकी जगह कहाँ पर वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों मैं कहना यही चाहता हूँ कि आप जागृत हो लोगों की, क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर ये जो जाति और लुप्त हो गई तो फिर आप कहाँ ढूंढोगे, तो फिर आप खरीद के फिर लेके आना पड़ेगा। तो देखिए तो आते हैं और खाना खा के चले भी जाते हैं, तो आपसे कुछ नहीं मांगते दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उनकी सेवा करो, सेवा में कोई कमी मत रखो। देखो आप दाना डालो, सिर्फ दाना, आपका मन है तो पानी पिलाओ, दाना डालो, नहीं तो इनकी सेवा जरूर कर दो, तो तकलीफ मत हो इनको किसी को। तो मैं ही आपको यही कहना चाहता हूँ, और मेरा दाना हुआ है समाप्त, और मेरे दोस्त आ गए हैं तो ये डाल रहे हैं दाना, तो अभी इनकी बारी है तो डाल रहे हैं जितनी, क्योंकि पहले मैं डाल देता हूँ फिर ये भी लेके आते हैं और ये भी सेवा देते हैं। दोस्तों आपकी सेवा बहुत अनमोल होती है।
राजस्थान में पक्का।